ममता की उमदा कार्यप्रणाली के बाद अब जनता की दुर्दशा करने में विद्युत विभाग अर्थात महावितरण भी कोई कमी बाकी नहीं छोड़ रही है। महावितरण द्वारा कभी विद्युत जंक्शन का बॉक्स खुला छोड़ दिया जाता है तो कभी जनता से बिजली का बिल दुगना वसूला जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि इस बार विद्युत विभाग नालों से पारा वसे विरार के हर जगह बिजली पहुंचाने वाले बिजली के खंभों को भी दुरुस्त रखने में असमर्थ पाई गई है? नहीं जानते, चलिए समझा देते हैं। आज वसईपुर में हुई घटना से आप खुद ही अंदाजा लगा लेंगे कि ममता के बाद अब महावितरण का काम कितना उमदा है। आज दोपहर वसईपुर के वाली फाटा में एक वायरमैन बिजली के खंभे पर खड़ा होकर बिजली का काम कर रहा था, तभी वह बिजली का खंभा वायरमैन सहित जमीन पर गिर गया और वायरमैन बुरी तरीके से जख्मी हो गया, जिसे नजदीकी प्लेटिनम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है जहां उसका इलाज जारी है। जिस तरीके से यह खंभा एक व्यक्ति के वजन से ही धराशाही हो गया, उससे साफ समझ में आ जाता है कि विद्युत विभाग अपने काम को सही तरीके से करने में कितना सक्षम है। इस तरीके से रास्तों के किनारे लगे हुए जर्जर बिजली के खंभे आम नागरिकों के लिए यमराज बने खड़े हुए हैं, परंतु संबंधित विभाग आंख पर पट्टी बांधे बैठा हुआ है। कुल मिलाकर ममता के बाद विद्युत विभाग की ऐसी कार्यप्रणाली यह बात स्पष्ट कर देती है कि यह दोनों विभाग एक ही ताली के चट्टे बट्टे हैं और सिर्फ अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता वाले डायलॉग पर काम करते हैं। मिरर ऑफ ट्रूथ से शिवानी दुबे की रिपोर्ट। ऐसी ही और नई खबरें देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।